हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ किस तरीके से टच साउंड एंड वाइब्रेशन और इन सभी को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डायल पैड, स्क्रीन लॉक, चेंज वाइब्रेशन, टच साउंड, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ने में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको बताने वाला हूँ इन सभी को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं डायल पैड, टच साउंड एंड वाइब्रेशन को कैसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है टेक्नो स्पार्क गो 2020, ये रहा बॉक्स आप देख सकते हैं, और ये मेरा इस तरीके से कलर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप किसी भी टेक्नो के मोबाइल में इस फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ये आपको दिखेगा एक ऑप्शन साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे नीचे आपको दिखेगा ये सारे फीचर्स, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैं टच साउंड, वाइब्रेशन, स्क्रीन लॉक साउंड, टच वाइब्रेशन सभी को बंद कर दिया, तो इसी तरीके से आप भी बंद कर सकते हैं और इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।